ओके चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। देश दर्शन करें। इस सेशन के अंदर हम रिवाइज करवाने वाले हैं फॉरेन कंपनी और साथ साथ में गवर्नमेंट कंपनी, ये दोनों चैप्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ठीक है, सबसे पहले फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन। बहुत सारे बच्चों को फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन ही समझ में नहीं आता। ठीक है, फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन के लिए मैं रीड कर रहा हूं सेक्शन नंबर, थोड़ा अच्छे से याद रखना। लेट्स गो। सो फॉरेन कंपनी के लिए मैं रीड कर रहा हूं सेक्शन नंबर 242 रेड विथ सेक्शन नंबर 379। पहली चीज, फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एलएलपी भी, फॉरेन एलएलपी भी फॉरेन कंपनी माना जा सकता है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में एलएलपी आता है। कॉर्पोरेशन, फॉरेन कॉर्पोरेशन भी फॉरेन कंपनी बोला जा सकता है। हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, इधर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, सर्वर चाहे दुनिया में कहीं पे भी हो, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए। सर्वर के ऊपर सवाल पूछा गया था, सर्वर किधर भी हो, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में बेचा जा रहा है क्या प्रोडक्ट, तो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। दूसरा, एंड कंडक्ट अ बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम सच ए प्लेस। कंडक्ट अ बिजनेस एक्टिविटी का मतलब योर विलिंगनेस शुड बी देयर, कि आप बिजनेस एक्टिविटी करना चाहते हो। ठीक है, भले ही सेल हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल यस और नो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट एंड लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इन दोनों चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बिजनेस करने का विलिंगनेस होना चाहिए। ठीक है, सो इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कंडक्ट्स बिजनेस फ्रॉम सच अ प्लेस, ऐसा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट फॉरेन कंपनी है। उसके अंदर बोला गया है, इफ बाय वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, 50% नॉट लेस देन 50% ऑफ पेडअप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय वन और मोर सिटीजन ऑफ द इंडिया, तो ऐसे सिचुएशन में उस बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लीकेबल हो जाएंगे। इसका सिंपल मतलब है कि अगर मैं इसको डायग्राम के फॉर्म में लू और मैं ऐसा बोलू कि कोई कंपनी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड वो तो इंडियन कंपनी है, कोई कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है विंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन फॉरिन, बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, बाहरी प्लेस ऑफ बिजनेस है, मेजोरिटी शेयर कैपिटल इंडिया में है क्या, नहीं है, तो ये कंपनी का हमारे लिए कोई स्टेटस नहीं है। कंपनी यूएसए की, उसके शेयर होल्डर बलते जगह पे, उसका बिजनेस बलते जगह पे, हम उसको क्यों जाने। ऐसी कंपनी का नाम बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफेट वाली कंपनी, इंडिया से कोई लेन देन ही नहीं है, तो हमारा इसका लीगली हम इसको नहीं जानते। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एज अ ह्यूमन हम जानते हैं, पर लीगल सेंस में हम इसको नहीं जानते। क्लियर है? सो नो लॉज एप्लीकेबल। कोई कंपनी है फॉरेन में इनकॉर्पोरेटेड है, फॉरेन में ही उसका बिजनेस है, पर इन्वेस्टमेंट इंडियन लोगों ने करके रखा है, तो भी इसको कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्ट फॉर इन्वेस्टमेंट के लॉस, कोई दूसरा एप्लीकेबल लॉ नहीं है इस कंपनी को गवर्न करने के लिए। सो नो लॉस फॉर देयर। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ प्रोविजन लगेंगे, फेमा के हिसाब से, सेबी के हिसाब से, वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है, इंडिया, तो ऐसे सिचुएशन में उसके मेजोरिटी शेयर होल्डर इंडिया में नहीं है, दिस इज अ प्योर फॉरेन कंपनी एज पर डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी, प्योर डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी। इसको सिर्फ ये चैप्टर लगेगा, फॉरेन कंपनी चैप्टर। कोई कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड बाहर है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, और मैक्सिमम शेयर होल्डर भी इंडिया में है, तो ऐसे सिचुएशन में ये तो सिर्फ नाम के लिए बाहर बनी है, वैसे तो डीम्ड इंडियन है, इसको पूरा कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गो फॉर इट फास्ट, डन। ओके, ये चीज होने के बाद में अगली चीज के ऊपर जाते हैं कि फॉरेन कंपनी ने कौन कौन से फाइलिंग्स करने चाहिए। सबसे पहली बात, फॉरेन कंपनी ने फॉर्म नंबर FC1 में, फॉर्म नंबर है FC1 में, नीचे दिए गए फाइलिंग्स करना जरूरी है, क्योंकि ये कंपनी इंडिया के लिए नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस फर्स्ट टाइम ओपन कर रही है, लोगों को डैमेज करके चली गई, तो इसीलिए रजिस्ट्रार के साथ FC1 में आपने फाइल करनी चाहिए। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द किस किस चीज का, चार्टर, स्टैट्यूट, मेमोरेंडम, आर्टिकल, अदर डॉक्यूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग और डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सिन नंबर, बाहर के देश ने अगर आपको कोई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया है, वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ऐसे अलग अलग चीजें जो आपके पास है, पैन नंबर, टैन नंबर उनके कंट्री का, यह सब आपको फाइल करना पड़ेगा। दूसरा, फुल एड्रेस एंड रजिस्टर्ड एंड प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी, मेन ऑफिस कंपनी का एचओ कहां पे है, वो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी कौन कौन है, इनके पर्सनल डिटेल देना जरूरी है, सेक्रेटरी के पर्सनल डिटेल, ठीक है, आ गया वापस। नेम एंड एड्रेस, एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ वन और मोर पर्सन, नेम एंड एड्रेस ऑफ एक से ज्यादा पर्सन जो ऑथोराइज है इंडिया में कोई भी सर्विस या प्रोसेस या नोटिस को रिप्लाई करने के लिए, उसका नाम और एड्रेस इंडिया का देना है। नेक्स्ट, उसके बाद में फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ अ कंपनी विच इज डीम्ड टू बी इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो इंडिया में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका फुल एड्रेस देना जरूरी है। अगली चीज, पर्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग प्लेसेस बिफोर, पहले कोई प्लेस ओपन या क्लोज किया था क्या, ये मेंशन करना जरूरी है बहुत। और उसके बाद में डिक्लेरेशन दैट नन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया हैज बीन एवर कॉन्विक्टेड और डिबार्ड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, कोई भी ऑफिसर या डायरेक्टर को डिबार नहीं किया है, नॉट बीन कॉन्विक्टेड,
हैज एवर बीन कॉन्विक्टेड और डिबार्ड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी अब्रॉड। किसी भी डायरेक्टर को इंडिया में कोई भी कंपनी बनाने से मना नहीं किया है या डिबार नहीं किया, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि जिनको हमने यहां पे इलीगल घोषित कर दिया वो बाहर जाके इंडिया में कंपनी भेजे या प्लेस ऑफ बिजनेस खोले। एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज मे प्रिस्क्राइब। अब ये इन्फॉर्मेशन नॉर्मली आपने प्लेस ऑफ बिजनेस सेट करने के 30 डेज के अंदर पहले या पहले ही प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, प्लेस ऑफ बिजनेस बाद में सेट करना, ठीक है। सो आपने प्री इंफॉर्मेशन फाइल करना चाहिए आरओसी के पास में, ठीक है। अगर इस इंफॉर्मेशन में कभी चेंज होता है फॉर द पर्पस ऑफ चेंज, तो वो चेंज भी आपने 30 डेज के अंदर आरओसी को फाइल करना है। उसके लिए फॉर्म नंबर बोला गया है बच्चों FC2, क्लियर है। यह है आपका सेक्शन नंबर 380। कौन सा सेक्शन नंबर है? 380। 381 के बाद में अगला सेक्शन आता है 381, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फॉरिन कंपनी कौन से बुक्स मेंटेन करेगी? पहला, सबसे पहले ऐसे एक्शन को मेरे साथ, सिंगल प्लेस ऑफ बिजनेस के बुक्स। बोलो सज्जन, बहुत बढ़िया। इंडिया के सभी प्लेसेस ऑफ बिजनेस के बुक्स। बोलो सज्जन, इंडिया के सभी प्लेस ऑफ बिजनेस के बुक्स। दुनिया के सभी प्लेस ऑफ बिजनेस के बुक्स। दुनिया के सभी प्लेस ऑफ बिजनेस के बुक्स, ये चीज को याद रखना। एक सिंगल प्लेस के बुक्स मेंटेन करना है, इंडिया के सभी प्लेस के बुक्स मेंटेन करना है, दुनिया के सभी प्लेस के बुक्स मेंटेन करना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। देखो, पीएनएल बैलेंस शीट ऑफ एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस, पीएनएल कंसोलिडेटेड पीएनएल बैलेंस शीट ऑफ ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, मेंटेनेंस कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट एंड अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एट द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के अकाउंट्स मतलब कंसोलिडेटेड दुनिया के अकाउंट्स। मेंटेन एडिशनल अकाउंट्स एज पर सीजी। नीचे दिए गए 3 अकाउंट एडिशनली मेंटेन करने हैं। पहले रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का अकाउंट, रिपेट्रिएशन। रिपेट्रिएशन मतलब इंडिया से बाहर कितना पैसा लेके गए, बाहर से इंडिया में कितना लाया, रिपेट्रिएशन एंड फंड ट्रांसफर। रिपेट्रिएशन मतलब इंडिया में कितना पैसा लाया, फंड ट्रांसफर मतलब बाहर कितना पैसा लेके गए, ये दोनों रजिस्टर। खुशी की बात, इसको ऑडिट कर सकता है CA CA CMA, क्लियर है। यह है सेक्शन नंबर 381, इस चीज को याद रखना। कंसेप्ट समझ में आया? चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड। अगला सेक्शन 382 डिस्क्लोजर। गति घटिया सेक्शन है, मतलब सभी सेक्शन घटिया है, सिर्फ 387 प्रोस्पेक्टस का अच्छा है। सो डिस्क्लोजर के अंदर सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी डिस्क्लोज करना है, ठीक है। हर कहां कहां डिस्क्लोज करना है वो बोलूंगा। दूसरी चीज, कंट्री इन विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड डिस्क्लोज करना है। तीसरी चीज, लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर डिस्क्लोज करना है, कितनी लाइबिलिटी है, लिमिटेड अनलिमिटेड, ये डिस्क्लोज करना है। फिर उसके बाद में वेयर टू डिस्क्लोज, ये डिस्क्लोज करना है एट एवरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, एवरी ऑफर डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस वगैरह में, एट एवरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, आरओसी का कम्युनिकेशन, सीजी का कम्युनिकेशन एंड आउटसाइड एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस, ये 3 चीजें डिस्क्लोज करना है। स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत बढ़िया। अगला सेक्शन है 383। 383 में मतलब कतई वाहियात सेक्शन है। ये बोला गया है कि आपने प्लेस ऑफ बिजनेस हजारों ओपन किए इंडिया में, उसमें से आरओसी कौन से प्लेस ऑफ बिजनेस को कम्युनिकेट करेगा, ये बताइए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आरओसी जिस प्लेस ऑफ बिजनेस को कम्युनिकेट करेगा, वहां आरओसी चिट्ठी ला जाके छोड़ देगा। यह प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है अमरावती, मेरी सिटी। वहां अगर आरओसी ने चिट्ठी छोड़ दी, तो ऐसा माना जाएगा कि वहां पे कम्युनिकेशन खत्म हो गया, भले ही वो चिट्ठी आपको मिले ना मिले, जो प्लेस है वहां डाल दिया, मतलब हो गया। इसके लिए उन्होंने सेक्शन बनाया, मतलब जाने दो, आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना, गुस्सा नहीं करना चाहिए। आगे फिर 384 में बोला है कि फॉरेन कंपनी को एडिशनल कौन से सेक्शन लगेंगे कंपनीज एक्ट के, तो फॉरेन कंपनी को सेक्शन 71 लगेगा, ये तो सबको पता ही है, जो है डिबेंचर्स का। सीए इंटर में हुआ होगा आपका। क्या हो रहा है आज, क्या पेन चल रहा है, नहीं चल रहा जिंदगी में, क्या समझ में नहीं आ रहा। ओके, सेक्शन 71 लगेगा। सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न का लगेगा, और फॉरेन कंपनी का एनुअल रिटर्न FC3 FC4 में फाइल किया जाता है, FC4 में आएगा। उसके बाद में सेक्शन 128 मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का लगेगा, 77 to 87 लगेगा, साथ में 135 भी लगेगा CSR का, ये भी बोला गया है अप्लीकेबल होगा, तो इसको भी याद रखना। नेक्स्ट चीज जो अप्लीकेबल होगी 206 से लेकर 230, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, ये भी सेक्शन इसको अप्लीकेबल हो जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का भी सेक्शन अप्लीकेबल हो सकता है, क्लियर है। सो पर उसको बोला नहीं गया है। सो 206 से लेकर 240, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन, ठीक है। FC4 में हम फॉरेन कंपनी का रिटर्न फाइल करते हैं, ये हो गया सेक्शन नंबर 384। 385 के अंदर डेफिनेशन दिया है, कतई वाहियात सेक्शन। 385 के अंदर फाइलिंग बोला है और 386 में डेफिनेशन दिया है, दोनों वाहियात सेक्शन है, याद रखना। 387 प्रोस्पेक्टस, ये जरा सा काम का सेक्शन है। अगर फॉरेन कंपनी इंडिया से फंड्स बाहर लेके जाना चाहती है इस तरीके से, तो फॉरेन कंपनी इंडिया में इशू करेगी प्रोस्पेक्टस। वो प्रोस्पेक्टस होना चाहिए, सबसे पहले तो वो प्रोस्पेक्टस का कंटेंट होना चाहिए एज पर सेक्शन नंबर 26 ऑफ कंपनीज एक्ट। पहला तो ये है, मतलब हम जो नॉर्मल इंडिया के प्रोस्पेक्टस में
कंटेंट मांगते हैं सेम कंटेंट प्रोस्पेक्टस का होना चाहिए सेक्शन नंबर 26 ऑफ कंपनीज एक्ट का फॉरेन कंपनी के केस में भी, जिसके अंदर मेंशन किया हो इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। दूसरी चीज एनैक्टमेंट, ऐसा कौन सा फॉरेन लॉ है जिसके अंदर ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है, ये आपको बोलना पड़ेगा। एड्रेस इन इंडिया जहां पे ये एनैक्टमेंट या ये फॉरेन लॉ रखा गया है चेक करने के लिए इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद में डेट ऑन विच एंड कंट्री इन विच कंपनी वुड और वॉज इनकॉर्पोरेटेड, डेट और कंट्री जहां पे कंपनी बनाया गया है। उसके बाद में प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में कितने ओपन करके रखे हैं और उसमें से प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है, मेन वाला। फिर उसके बाद में यह हो गया प्रोस्पेक्टस का कंटेंट 387 का। ये कंटेंट आपने फाइल करना चाहिए आरओसी को, सेबी गाइडलाइन से इसको कंप्लाई करना चाहिए। अगर इसमें मिसस्टेटमेंट होता है तो बेटा आपको पेनल्टी लग जाएगी। फिर इसके बाद में बोला गया है सेक्शन नंबर 388 में एक्सपर्ट्स ओपिनियन। मैं इसके लिए थोड़ा सा वन नोट ओपन करता हूं, होल्ड। आ जाइए, ठीक है, ये चीज देखो यहां पे बोली गई है। इसमें से कुछ कंटेंट को मार्क करता हूं। ये तो हो गया, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हमने फाइल करनी चाहिए, ये सबको पता है। प्लेस ऑफ बिजनेस बताना चाहिए, ये सबको पता है। उसके बाद में एनी एप्लीकेशन शुड बी बाइंडिंग एंड शॉल बी इन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया गया ऐसे सिचुएशन में, तो ऐसे सिचुएशन में आप लायबल हो जाओगे। complies with the provision of this chapter, form of application shall be issued which comply with the provision of chapter, does not issue without compliance of section 388. 388 में क्या है बच्चों, experts opinion, expert का opinion, genuine opinion के सिवा prospectus issue नहीं हो सकता। underwriting agreement आपने किसके साथ की है ये mention करना जरूरी है। provision shall not be applicable for issue of prospectus, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर्स को आप प्रोस्पेक्टस दे रहे हो फॉर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के लिए, मतलब ये तो प्रोस्पेक्टस चैप्टर में भी एग्जम्पशन है। अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर को सेम टाइप के शेयर इशू कर रहे हो तो प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, तो प्रोविजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर है कंसेप्ट सबको, हाँ ना। फिर 388 में एक्सपर्ट्स ओपिनियन है, एक्सपर्ट का ओपिनियन, नेम ऑफ द एक्सपर्ट, पहले तो उसका कंसेंट देना है। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट विच सच एक्सपर्ट हैज नॉट गिवन और विड्रॉन, अगर एक्सपर्ट ने वो ओपिनियन विड्रॉ किया है या नहीं किया है तो आपने ऐसा प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करना चाहिए, अगर एक्सपर्ट का ओपिनियन नहीं उसने विड्रॉ किया है तो, ठीक है। नेक्स्ट वाला, उसका बाइंडिंग इफेक्ट हो जाएगा, एक्सपर्ट लायबल रहेगा। स्टेटमेंट कंटेंड इन मेमोरेंडम और रिपोर्ट, जो प्रोस्पेक्टस का पार्ट है हम उसको ऐसा मानेंगे कि यह प्रोस्पेक्टस का ही इंफॉर्मेशन है। फिर ये प्रोस्पेक्टस हमको रजिस्टर करना पड़ता है, क्लियर है कंसेप्ट, जिसको साइन करना पड़ेगा एक चेयरमैन से और दो अदर डायरेक्टर्स से। रेजोल्यूशन लगेगा मैनेजिंग डायरेक्टर का, अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, और आरओसी को आपने इसको डिलीवर करना है। कंसेंट इज राइटफुली ऑब्टेन्ड रिगार्डिंग एक्सपर्ट, का कंसेंट आपने ले लिया होना चाहिए। और रूल्स के अंदर लिखा गया है कुछ अलग प्रोसेस, जैसे कंसेंट टू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस ये इशू करना चाहिए एक्सपर्ट ने, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये मेंटेन करके रखना चाहिए, अदर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट एंटर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये आपने देखने चाहिए, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट आपने एंटर करना चाहिए, पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सब चीजें आपने रजिस्टर करनी चाहिए और देनी चाहिए। फिर 390 के अंदर बोला गया है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स के बारे में, जिसके बारे में पूरा रेगुलेशन सीजी बनाएगा, ये सिर्फ रीड करने का सेक्शन है। 391 में अगर आपने प्रोस्पेक्टस की इंफॉर्मेशन गलत इशू की तो प्रोस्पेक्टस चैप्टर की पेनल्टी आपको लग जाएगी, जिसमें सेक्शन नंबर 34 है। 34 इज अबाउट प्रोस्पेक्टस चैप्टर के क्रिमिनल ऑफेंसेस, क्रिमिनल ऑफेंसेस, क्रिमिनल मतलब अगर आपने प्रोस्पेक्टस में मिसट्रीटमेंट कर दिया तो क्रिमिनल ऑफेंस में चला जाएगा। सेक्शन 35 इज अबाउट सिविल ऑफेंसेस, अगर आपने प्रोस्पेक्टस में मिसट्रीटमेंट किया तो ये सिविल ऑफेंस हो जाएगा। सेक्शन नंबर 36 इज प्रोसिक्यूशन एंड 37 इज एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन, जिसमें से 34 से सिर्फ 36 ही एप्लीकेबल है। जिस पर्सन को डैमेज हुआ है वो आपके ऊपर केस कर सकता है, ये जैसा का वैसा एप्लीकेबल होगा, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस जैसा का वैसा, और इस केस में कोई भी दिक्कत क्रिएट नहीं की जाएगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। उसके बारे में बोला गया है winding up provision are applicable to place of business of foreign company has not been repaid Indian depository receipt in India. winding up हम apply कर देंगे अगर Indian depository receipts उसने India में repay नहीं की, अगर fund raise करने के बाद में तो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। एंड में पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन जो बोली है 1,00,000 से लेकर 3,50,000 तक का फाइन, पेनल इंप्रिजनमेंट 6 महीने तक की हो सकती है, 25,000 से लेकर 5,00,000 तक का फाइन हो सकता है ऑफिसर को अगर डिफॉल्ट में है तो। 393 में अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है तो इंडिया के किसी भी पर्सन के ऊपर लिटिगेशन या केस नहीं कर सकती, लेकिन अगर इंडिया का पर्सन उसके ऊपर केस करना चाहे तो केस कर सकता है।
ये है सेक्शन नंबर 393। नीचे है प्रोस्पेक्टस चैप्टर की ई फॉर्म, जिसके अंदर FC-5 नया ई फॉर्म है, FC-3 फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट्स का ई फॉर्म है, FC-4 हमने पढ़ लिया, FC-1 और 2 हमारा हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए बेटा, गो फॉर इट फर्स्ट। थैंक यू सो मच बेटा मयूर, एक ही झटके में पूरा चैप्टर ही हो गया। 206 से 240 है। चलो डन एवरीबॉडी। दो मिनट वेट कीजिएगा। चलो हो गया सबका। FC-5 न्यू नॉमिनेशन का ये फॉर्म है बेटा, नॉमिनेशन फॉर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट। चलो यहां पे आपका फॉरेन कंपनी चैप्टर होता है खत्म। फॉरेन कंपनी चैप्टर खत्म होने के बाद में अब मैं जा रहा हूं गवर्नमेंट कंपनी चैप्टर के ऊपर। प्लीज आ जाइए। सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन समझना जरूरी है, तो बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, 2 मिनट में हो जाएगा ये चैप्टर पूरा का पूरा, तो ध्यान देना। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 45 के अंदर दी गई है, जिसके अंदर बोला गया है ऐसा कोई भी कंपनी जिसके अंदर 51% ऑफ पेड अप कैपिटल और वोटिंग पावर, ये एक तो सीजी होल्ड करता है या एसजी होल्ड करता है या फिर बोथ होल्ड करता है, तो उसे गवर्नमेंट कंपनी बोला जाएगा। पहली बात, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट अगर कोई कंपनी है तो उसको भी गवर्नमेंट कंपनी का ही दर्जा दिया जाता है। ऐसे गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट सीएजी करता है, इसके अकाउंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट एंड सीएजी के कमेंट्स, ये सब इकट्ठा करके सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल किए जाते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है तो अंडर सेक्शन 394, और स्टेट गवर्नमेंट को फाइल किए जाते हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट मेंबर है अंडर सेक्शन नंबर 395। सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में लेके जाया जाएगा, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, दोनों जगह पे एक्सेप्ट हो गया तो इसको रिपोर्टिंग सक्सेसफुल बोला जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। इसके बाद में बोला गया है, अच्छे से याद रखना, अगर कोई ऐसा कंपनी है जिसके अंदर गवर्नमेंट का होल्डिंग है, ठीक है, वैसे तो चैप्टर हो गया है फिनिश, ऑलरेडी हो गया, बिकॉज 394-395 में बस यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। वैसे अगर कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी लेता हूं दर्शन इस्पात लिमिटेड, इसका अगर 30% होल्डिंग होल्ड करके रखा है LIC ने और अगर इसका 25% होल्डिंग होल्ड करके रखा है सीजी ने, तो मुझे बताओ क्या ये गवर्नमेंट कंपनी होगा? एज पर डेफिनेशन क्या मैं इसको गवर्नमेंट कंपनी मानू? प्लीज मुझे बताइए कि अगर जिस LIC का 30%, जिस दर्शन इस्पात लिमिटेड का 30% होल्डिंग लिया है LIC ने एंड 25% होल्डिंग लिया है सीजी ने, तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी होगा? प्लीज कमेंट में मुझे बताइए फटाफट फटाफट, मैं एक बार चेक कर लूं। सो बताइए क्या इसको हम गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे? ठीक है, बताइए मुझे क्या इसको गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे? ओके, बहुत बढ़िया, सब जन आंसर दे रहे इसको गवर्नमेंट कंपनी नहीं मानेंगे, तो इसको हम बेटा गवर्नमेंट कंपनी नहीं मानते हैं एज पर डेफिनेशन, लेकिन ये सब्सटेंशियली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी में आता है। व्हाट इज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी? ऐसा कंपनी जिसमें मोर देन 51% ऑफ पेड अप कैपिटल, मोर देन 51% ऑफ पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय इधर सीजी और एसजी
और कॉरपोरेशन ऑफ सीजी और कॉरपोरेशन ऑफ एसजी और एनी गवर्नमेंट कंपनी, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको जीसीसी कहते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी। इसको डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी भी कई केसेस में कहा जा सकता है, अगर एग्जाम में पूछा, एक बार पूछा था, तो इसको याद रखना। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, गो फॉर इट फास्ट। ठीक है, इसको गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोला जाता बेटा नॉर्मली। ठीक है, दीपमाला सही नाम है आपका, सही तो लिया मैंने, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, दीपमाला। चलो डन, आगे बढ़े। ओके, थैंक यू सो मच सबने, जितने लोगों ने आंसर दिया, चलो हो गया सबका। सो यहां पे आपका गवर्नमेंट कंपनी चैप्टर भी होता है फिनिश। ये स्ट्रीम मुझे क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट लाइक ठोकिए, अर्जेंट में लाइक ठोकिए, जितने अर्जेंट में हो सकते हैं उतने अर्जेंट में लाइक ठोकिए, मेरे को स्ट्रीम बंद करना है।